नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं? अच्छा, आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, व्यंजन से ही संबंधित है, चूँकि मैंने उसको शब्दों में लिखा हुआ है और शब्दों में इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये ऐसा जो है टॉपिक है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूज कैसे होते हैं? क्योंकि व्यंजन जो हैं कई तरीके से बनते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन, दूसरा होता है द्वितीय व्यंजन। चूँकि संयुक्त व्यंजन मैंने थोड़ा सा समझाया हुआ है वर्णमाला के टाइम पर, जब वर्णमाला पढ़ा रही थी मैं, लेकिन उसका मैं अलग से वीडियो और बनाऊंगी, कई सारे शब्द लेके आऊंगी ताकि आपको समझा सकूं और आप आराम से कहीं भी परीक्षा में कहीं भी आ जाए तो आप अच्छे से उसे कर पाएँ। ठीक है ना? तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए द्वित्व व्यंजन। देखिए, आप सभी जितना मैं ढूंढ के एक एक चीज़, मैं बहुत सारे पेपर्स देखती हूँ कौन से पेपर में कैसे आते हैं, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, कैसे आते हैं, तो उन चीज़ों को मैं देख करके ही इसे जो है चुन के लाती हूँ। ठीक है? ये आप लोगों के लिए ही करती हूँ, तो आप लोगों का भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें उन लोगों के पास जिनको जिसकी ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, सब्सक्राइब करवाइए सबसे। ठीक है? और शेयर कीजिए दूसरों के पास, और अगर ठीक लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है? चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ को। तो हमारा टॉपिक था द्वित्व व्यंजन। क्या है ये द्वित्व व्यंजन? द्वित्व व्यंजन, देखिए, जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो यहीं पर लिखा हुआ है, यानी इसका नाम भी यही है और उस चीज़ का यहाँ प्रयोग भी हो रहा है। ठीक है? तो द्वितीय व्यंजन जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है? द्वितीय का मतलब दो वर्ण। अब आइए देखते हैं, मैं अभी समझाती हूँ कि कैसे। मैं इसकी परिभाषा दे देती हूँ आपको कि ऐसे वर्ण द्वितीय व्यंजन उनको कहा जाता है, ऐसे वर्ण को कहा जाता है जहाँ पर कोई एक ही वर्ण, ठीक है, कोई एक ही व्यंजन होता है जो ये पहले तो आधा होता है और बाद में पूरा होता है। ठीक है? पहले क्या होता है? आधा होता है और बाद में पूरा होता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। ठीक है? तो चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। मैंने कई सारे शब्द लिख रखे हैं, जो मुझे याद आ रहा था वो मैंने सारा ही यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है? आप समझिए इसको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कच्चा। ठीक है? अब हमने क्या, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ आधा चय बना हुआ है, यहाँ पूरा चय है। ठीक है? चाहे यह ना भी हो तो भी इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तब इसका अर्थ गलत हो जाएगा, इसलिए इसको लगा देते हैं। ठीक है? तो यानी कि पहले तो आधा चय है, बाद में पूरा चय है, तो ये क्या हो गया? कच्चा हो गया। यानी इसमें द्वितीय व्यंजन कौन सा है? तो इसमें जो द्वितीय व्यंजन है वो है चय, यानी कि आधा चय और पूरा चय एक जगह आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज, समान जो वर्ण होता है, समान व्यंजन, एक ही व्यंजन होता है वो, दो व्यंजनों के मेल से नहीं, एक ही व्यंजन का दो वर्ण वहाँ पर होता है, पहले तो आधा होता है और बाद में पूरा होता है। ये मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं अलग अलग वर्णों को लेकर के। तो समझ लीजिए इसको कि पहले ये चय, चय का द्वित्व जो है वो चय का बन रहा है, चय का द्वित्व हो रहा है, पहले इसका आधा है और फिर इसका पूरा है। ठीक है? तो ये हो गया कच्चा। सॉरी। फिर यहाँ पर कय जो है, यहाँ पर तो पूरा है लेकिन पहले क्या है? आधा है, यानी कि सवर्ण ही तो है। सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, एक जैसा वर्ण, एक ही वर्ण। ठीक है? सवर्ण, सवर्ण माने एक ही वर्ण। ठीक है? तो सवर्ण होना चाहिए, एक ही वर्ण होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी का है, ये भी का है, पर ये वाला आधा है, पहले वाला आधा है और बाद वाला पूरा है। तो यहाँ द्वित्व किसका हो रहा है? कय का। ठीक है? किसका द्वित्व हो रहा है? कय का हो रहा है। तो ये क्या हो गया? द्वित्व हो करके क बन गया, क है ना, पहले आधा फिर पूरा। तो कय का यहाँ द्वित्व हो रहा है, यहाँ ये दोनों क्या है? द्वित्व हो गए, ये द्वित्व व्यंजन हो गया। ठीक है? ऐसे यहाँ पर गद्दा लिखा हुआ है, तो पहले आधा दय है फिर पूरा दय है। ठीक है? तो इनका क्या हो गया?
द्वित्व हो गया, यानी दो व्यंजन हो गए, ठीक है। यहाँ दय दय पहले आधा फिर पूरा रद्दी, ठीक है, ये भी द्वित्व हो गया। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले आधा ना है, ये लिखा हुआ है पन्ना। पन्ना किसको कहा जाता है? एक मड़ी होती है, माड़ी को होता है, उसको पन्ना कहा जाता है। या फिर एक हमारे जो है पन्ना धाय का त्याग पढ़ा होगा, वो एक नौकरानी थी, दासी थी, उनका नाम था पन्ना, जिन्होंने राजकुमार को बचाया था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो उनको बचाया था उन्होंने, ठीक है, वो पन्ना। तो मतलब कहने का मतलब एक माड़िक है ये और किसी का नाम भी है। तो ये लेकिन यहाँ पर देखिए द्वित्व किसका हो रहा है? नय का हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, मैंने कई सारे पेपरों को छान मारा है, देखा है, तो मुझे मिला है ये, तभी मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूँ। और कुछ बच्चे मुझसे मतलब कॉल करके पूछ रहे थे कि मैम ऐसे मतलब ये जो होता है ये क्या होता है, इनमें अंतर क्या है। तो मैंने कही कि मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी और आप कंबाइन करके उसको देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ लिखा पत्ता। अब यहाँ पर ये आधा ता है, पत्ता ऐसे भी लिखते हैं, अलग अलग करके भी लिखते हैं और ऐसे भी डंडी लगा देते हैं, तो भी ये आधा तय ही माना जाता है, आधा तय ही है, ठीक है। लिखने में प्रयोग ऐसे भी किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है पत्ता है, पत्ता में आधा तय है पहले फिर पूरा तय है, तो ये द्वित्व हो गया। यहाँ आधा तय है फिर पूरा है, ये 70 लिखा हुआ, 70 गिनती, 70 जानते हैं, 70, ठीक है। तो ये 70 यहाँ आधा तय पहले और फिर पूरा तय बाद में, यहाँ आधा में पहले और पूरा में बाद में, चम्मच लिखा हुआ है, ठीक है। तो द्वित्व किसका हुआ? चम्मच का, यानी मैं का, पहले आधा माँ फिर पूरा माँ, ठीक है। आ रहा समझ में? समझ लीजिए इन चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से, मैंने इसीलिए ढूंढ ढूंढ के लिख लिए हैं जो मुझे याद था, मेरे पास कोई बुक तो है नहीं, जो मुझे याद था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए यहाँ लड्डू, लड्डू जानते हैं किस किस चीज़ का बनता है? बेसन का लड्डू बनता है, बहुत सारी चीज़ों का लड्डू बनता है, सब लोग बनाते खाते रहते हैं, वो लड्डू है, ठीक है। तो लड्डू जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डेड, ऐसे डमरू डलिया, ठीक है। तो इसका पहले आधा ये हो गया, पहले आधा है। यहाँ हलंत का मतलब होता है, जहाँ पर हलंत लगा हुआ होता है उसका मतलब आधा ही होता है, पूरा नहीं होता, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर हलंत लगा हुआ, इसका मतलब ये आधा है और ये पूरा है, तो ये क्या हो गया? लड्डू, यानी द्वित्व किसका हो रहा है? डय का, ठीक है। फिर यहाँ बिल्ली लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पहले तो आधा लय है फिर पूरा लय है, ठीक है ना, तो द्वित्व किसका हो रहा? लय का हो रहा है। अब यहाँ पर पहले, यहाँ भी पय है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब सिर्फ इससे और इससे है। तो यहाँ पर आधा पय है, यहाँ पूरा पय है, तो यहाँ द्वित्व किसका हो रहा? पय का हो रहा है, ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो तीनों एक ही वर्ण। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ जो है मिट्टी लिखा हुआ है। अब पहले तो आधा टय है, ऐसे प्रयोग किया जाता है, मिट्टी ऐसे भी लिखा जाता है, देख लीजिए, मिट्टी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी मिट्टी हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं इसको। चूंकि ये गोल वर्ण है तो हम इसके नीचे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर द्वित्व किसका हो रहा है? टय वर्ग का, है ना, टय का। अच्छा, इस ये गोल वर्ग की बात आ गई तो मैं दो चीज़ें बता दूँ। जैसे ये लड्डू लिखा हुआ है, तो एक लड्डू तो इस प्रकार से लिखा है, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, जैसे एक ऐसे लिख दिया डय और फिर एक ऐसे लिख दिया डय, तो ये भी लड्डू होता है, यानी उसके नीचे आप लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा? कद्दू लिखा हुआ है, कद्दू में भी पहले आधा दय है फिर पूरा दय है, ये दय लिखा हुआ है, मैंने ऐसे लिखती हूँ, मैं मेरी राइटिंग नहीं बनती, ठीक है, बहुत गंदी राइटिंग है, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ जैसे भी बनता है। तो यहाँ आधा दय है फिर यहाँ पूरा दय है, तो किसका द्वित्व हुआ? इसका द्वित्व हुआ, दय का द्वित्व हो गया। द्वित्व माने दो व्यंजन, एक आधे एक पूरे, पर सवर्ण, यानी एक ही व्यंजन होने चाहिए, वो पहले आधा हो फिर बाद में पूरा हो, ठीक है। तो ये यहाँ है, फिर यहाँ लिखा लट्टू, तो लट्टू यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये टय है, इसके नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये आधा है, और इसके नीचे हलंत नहीं लगा है, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा है। मैं बताती रहती हूँ कि जब हलंत लगा रहेगा तो वो हलवर्ण होगा, यानी हल व्यंजन होगा, ठीक है ना, और जब जब मात्रा लगी होगी तब वह पूर्ण रूप में होगा,
तो यहाँ क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, इसमें कुछ मात्रा नहीं है, आय भी नहीं है तो ये आधा है, और इसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ है तो ये जो है पूरा है, तो इस पे ये क्या हो गया, ये लट्टू हो गया। अब हमने क्या देखा, पहले आधा फिर पूरा, इसका मतलब इसका द्वित्व हो गया, ये द्वित्व व्यंजन है। यहाँ आधा ज है फिर पूरा ज है तो ये भी द्वित्व व्यंजन हो गया। सज्जन, सज्जन का मतलब क्या होता है, अच्छे लोग, सज्जन का मतलब संधि विच्छेद पढ़ लो, ठीक है, ये व्यंजन व्यंजन संधि है इसमें। सत्य सद सॉरी सद प्लस जन, सद प्लस जन बराबर होता है, इसका आधा जय हो जाता है, जब संधि पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, इसका आधा जय हो जाता है, और इस प्रकार से ये होता है सज्जन, ठीक है, आ रहा समझ में। तो देख आपने देख लिया कि किस प्रकार से जो है ये जो है ये सज्जन हो गया, यानी कि इसका द्वित्व हो गया, इसका और इसका, यानी दय जो है वो जय में परिवर्तित हो गया, ठीक है। पढ़ाऊंगी, इसकी परिभाषाएं हैं अलग अलग, तो जब संधि पढ़ाऊंगी व्यंजन संधि उसमें मिलेगा आपको ये, ठीक है, अभी बताऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, आप चलिए इसको समझ लीजिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ भी वय है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ इससे है, ठीक है, इस वाले से हमारा मतलब है, किससे, ये वाला जो है, ये सॉरी एक मिनट को, ये वाला जो है ना, ये वाला हमारा सिर्फ इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ मतलब इससे है। यहाँ आधा बय है, यहाँ पूरा बय है, तो इस बय का क्या हो गया, द्वितीय हो गया, इस बय से कोई मतलब नहीं है, अकेला है, सिंगल है, ये द्वितीय नहीं हुआ, ठीक है, अकेला है ये, तो ये जो है बब्बर, ये मैंने एकदम से लीप पोत दिया तो ये कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है आपको, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए है ना, अब आ गया समझ में, साफ हो गया ये, तो ये जो है आधा बय पूरा बय क्या हो गया, बब्बर हो गया। अब आप कह रहे होंगे आगे भी तो बय लगा हुआ है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सिंगल है, ठीक है, उसके बाद अगर कहीं लगा है तो उससे मतलब वो उसमें नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कब, जब पहला वाला तो आधा हो और बाद वाला पूरा हो तब इसे द्वितीय कहेंगे। अगर बय यहाँ पूरा लिखा है, यहाँ आधा लिखा है, तब इसको द्वितीय नहीं, ये सिंगल है पूरा, इसके में स्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक चीज मैं और इसे अलग करके समझाती हूँ, देखिए इसका बब्बर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे ना, वर्ण विश्लेषण सॉरी करेंगे, तो बय में ऐ छुपा हुआ है, ठीक है, क्या छुपा हुआ है, ऐ छुपा हुआ है, फिर प्लस में आधा बय है, यहाँ पर देख लीजिए ये आधा बय, उसमें डंडा नहीं लगा है, डंडा का मतलब आ होता है, ठीक है, तो वो नहीं लगा है, और फिर इसमें हलंत लग जाएगा, और फिर प्लस में बा है, बा में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ठीक है, और फिर प्लस में रा है, रा में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ हमें देखना है, ठीक है, तो इस बय में तो ऐ छुपा हुआ है, सॉरी ये तो पूरा का पूरा है, ये तो अपने में पूर्ण है, तो ये कहीं द्वित्व हो ही नहीं रहा है, ठीक है। द्वित्व कब होगा, जब एक तो आधा हो, आगे वाला जो पहले वाला हो वो आधा हो, बाद वाला पूरा हो, तभी द्वित्व होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये तो अपने में पूर्ण है, इसका द्वित्व नहीं हुआ, ये सिंगल रहेगा, लेकिन ये जो बय है ये आधा है, और किसके पहले है, बय के पहले है, यह जो बय है ये क्या है, ये अपने में पूरा है, ठीक है, ये अपने में पूरा है, ये आधा है, ये जो इसको ये धारण करेगा, बब्बर यानी कि ये इसको ये धारण करेगा, इसका जोर इस पे पड़ेगा, इसलिए ये द्वित्व हो गया, ठीक है, ये इसमें छुपा हुआ है। अब आ गया समझ में, यानी कि बय आधा आधा बय सॉरी और ये पूरा बय, तब ये द्वित्व हुआ, ठीक है। क्या सिंपल है, सिंपल एक तरीका, सिंपल एक तरीका, यानी कि द आधा दय हो गया और पूरा दय हो गया, ठीक है, तब ये जो है द्वित्व हुआ, ऐसे आधा तय पूरा तय तब ये द्वित्व हुआ, आधा मैं पूरा मैं तब ये द्वित्व हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये कहो कि इसको हटा करके यहाँ माँ लिख दो और फिर यहाँ आधा लिख दो, तब इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपने में पूर्ण है, तब द्वित्व नहीं हुआ। द्वित्व होता है जब पहले आधा हो बाद में पूरा हो, ठीक है, तो तब द्वित्व होता है। यहाँ देखिए आधा है ये पूरा है, ठीक है, ये आधा है ये पूरा है, ठीक है, ये आधा है और ये पूरा है,
अब द्वित्व हुआ, ऐसे द्वित्व होता है, ये आधा है ये पूरा है, इस प्रकार से द्वित्व होता है। ठीक है, यहाँ चले आइए, ये आधा है ये पूरा है, अब ये द्वित्व हो गया। यहाँ ये आधा है ये पूरा है, अब इसका द्वित्व हुआ, इसका द्वित्व हो गया, आधा है पूरा है, आधा है पूरा है, ठीक है ना। और फिर यहाँ आधा तय पूरा तय, ठीक है, आधा तय पूरा तय, आधा कह पूरा कह, है ना। यानी कि पहले का आधा सवर्ण होने चाहिए, एक ही वर्ण होना चाहिए। हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि सवर्ण होना चाहिए, सवर्ण, सवर्ण का मतलब एक ही स्वर वर्ण होना चाहिए, और वह वर्ण पहले तो आधा हो, हल हो, ठीक है ना, और बाद में उसके तुरंत बाद किस तरफ, दाहिनी तरफ, पहले बाई तरफ जो हो वो आधा हो, और जो दाहिनी तरफ हो वो पूरा हो, तब जा कर के वह द्वित्व वर्ण कहलाएगा। याद रखिएगा इसको, मैंने कई पेपर में देखा है, ये पूछा हुआ है, इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूँ। और किसी का एक फोन आया था, वो कह रहा था कि मैडम ऐसे को क्या कहते हैं और संयुक्त और द्वित्व में अंतर क्या है, तो वो चीज़ मैं आज ये लेके आई हूँ। चूँकि बहुत लंबा खिंच जाता है समझाते समझाते, तो मैंने कहा कि पहले मैं द्वित्व पढ़ा लूँ फिर संयुक्त पढ़ाऊँगी। तो अगला जो वीडियो होगा वो संयुक्त व्यंजन का होगा, ढेर सारे शब्द लेके आऊँगी, क्योंकि दो चार शब्द समझा देने से इतना ध्यान नहीं रहता, और उससे हट करके कोई दूसरा शब्द आ गया उसी प्रकार का संयुक्त व्यंजन का, तब हमें दिक्कत हो जाती है, मैंने समझने वालों को दिक्कत नहीं हो जाती है जिसको नहीं आता है। तो इसलिए आज मैंने इसको पढ़ा दिया है द्वितीय व्यंजन को, और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी संयुक्त व्यंजन को, ठीक है। उसके भी ऐसे शब्द के अनुसार उदाहरण ढेर सारे लिख दूंगी और फिर उन्हें एक एक करके समझा दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, तो आप लोगों का भी एक उत्तरदायित्व बनता है, हमारे वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, दूर दूर तक भेजिए, शेयर कीजिए, और जो अपने संपर्क में लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिए, ठीक है। और ठीक लगा है अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, समझाना अच्छा लगता है, तौर तरीके पढ़ाने के ठीक लगते हैं, तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं। चलिए बस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।